आज मैं सीखूंगा चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं। दूसरों से बिल्कुल अलग, मैंने अभी तक ऐसा कभी कुछ नहीं खाया है। अरे ये कैसे खाना खा रहा है? अपनी कोहनी टेबल पर रखकर देखने में तो ये समझदार लग रहा है। अरे ये तुम किस तरीके से खाना खा रहे हो? मुझे अभी नींद आ रही है। सीधे बैठकर खाना खाओ। कहते हैं मम, खाते वक्त चॉपस्टिक्स ठीक से पकड़नी चाहिए। तुम्हें बचपन से ही सही तरीका सीखना चाहिए। इसे ऐसे पकड़ो। हम चाहे चम्मच, कांटे या चॉपस्टिक से खाएं, पर उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आना चाहिए। लेकिन मतलब तो खाना खाने से ही है ना? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आपने बिल्कुल सही कहा मम, आज से मैं फोक से खाना खाना सीखूंगा। फोक से खाना तो बहुत ही आसान है। खाने के लिए शुक्रिया, बहुत ही टेस्टी था। इसे समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अरे वाह शीरू, वैसे एक बात तो है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं, आज मैं भी ये सब कर पाता। वेलकम बैक मम। ओ तो तुम आ गए शिनचैन। अरे ये क्या? मैं बाहर शीरो को घुमा के आया हूँ, इसलिए मैंने सोचा अपने हाथ धो लूं। देखो आज मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ बहुत ही बढ़िया चॉपस्टिक्स। पर मैं तो फोक से खाऊंगा मॉम। लेकिन शिनचैन ये चॉपस्टिक्स बहुत ही खास हैं। देखो एक्शन गाने। मैं बताती हूँ कि इसे कैसे पकड़ते हैं। चॉपस्टिक्स ऐसे पकड़नी चाहिए। अब खाने की कोई चीज मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। लगता है तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हिमावरी की स्नैक्स। रुको रुको, अगर तुम जीते तब तुम इसे खा सकते हो। पर मैं कैसे जीतूंगा? अगर तुम स्नैक्स को बोल में डाल दोगे, वो भी इनको बिना गिराए चॉपस्टिक्स की मदद से, तो तुम इस खेल में जीत जाओगे। तो तुम तैयार हो? अब शुरू करें। रेडी स्टार्ट। चलो जल्दी करो, इस तरह से। आप ठीक से नहीं खेल रही। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक एक करके रखा है। मैं एक छोटा बच्चा हूँ तो मेरे छोटे हाथ हैं, और आपके बड़े हाथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ही जीतोगे। तुम हाथों से क्यों कर रहे हो? ये मेरा स्टाइल है मम। ओके एक बार फिर से। तो ठीक है रेडी स्टार्ट। जल्दी करो जल्दी करो। हिमावरी खेल खत्म हुआ। रुक जाओ। अच्छा तो ये बात है। हैरी आपको भी शिनचैन को समझाना चाहिए कि वो चॉपस्टिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करे। ठीक है। मैंने ठीक से चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया तो खाने में मुझे मजा आ गया और कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। तो ये बात है, मैं समझ गया। बेटा वहाँ के खाने के बारे में क्या बताऊँ मैं तुम्हें, अरे वहाँ के स्नैक्स तो बहुत टेस्टी हुआ करते थे। मैंने हिमावरी के स्नैक्स खाए, वो भी टेस्टी थे। अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई होगी ना? मेरा ध्यान तो बस खाने पर था। खाने में कहीं शिमला मिर्च तो नहीं थी? शिमला मिर्च नहीं थी बेटा, वो रेस्टोरेंट इतना महंगा है कि खाने के बाद जब बिल लेकर वो हमारे सामने आएंगे तो उसे देखकर अगर मुझे नहीं ले जाना चाहते तो चॉको चिप्स खिलाने पड़ेंगे। ठीक है। और हाँ उसके साथ आप मुझे आइसक्रीम भी खिला सकते हैं डैड। आइसक्रीम भी लानी पड़ेगी? बिल्कुल लानी पड़ेगी। अरे कह दिया ना आज नहीं लाऊंगा, कल लाऊंगा, जिद मत किया करो हमेशा। वादा करो कि आज के बाद हमेशा चॉपस्टिक से खाना खाया करोगे। तुम्हारी अपनी चॉपस्टिक है ना? बोलो बेटा। हाँ है। तो मैं अब तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम हमेशा अच्छे तरीके से चॉपस्टिक से ही खाना खाओगे। बोलो। अच्छा ठीक है। अरे वाह वाह शिनचैन, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने चॉपस्टिक्स को बिल्कुल सही से पकड़ा है। अरे आखिर बेटा किसका है मुझसे। अब चाहे चॉपस्टिक से खाओ या फोक से, लेकिन खाना हमेशा टेस्टी होना चाहिए। तो बहुत ही टेस्टी है। फ्रांस से? ये तो बहुत अच्छा है। डैड जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ से मेरे लिए कार्ड जरूर भेजते हैं। पिछली बार डेनमार्क से भेजा था। कितनी अच्छी स्टैंप है। अच्छा सुनो मसाओ, क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चिट्ठी लिख सकते हो? हाँ, लेकिन किस तरह का नैनी? उसमें लिखा हो कि नैनी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरी मदद करती हो। ये क्या है? ये है मेरा दोस्त चिंटू। अरे वाह, ये तुम्हारी चिट्ठी है। मैंने ड्राइंग बनाने के लिए नहीं एक चिट्ठी लिखने के लिए कहा था शिनचैन। अच्छा तो ये बात है नैनी, मैं अभी जाकर इसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता हूँ। इतना काफी नहीं है, तुम्हें इस पर एड्रेस लिखकर स्टैंप भी लगानी होगी। और स्टैंप के लिए तुम्हें पैसा भी खर्च। क्या चाहते हो मसाओ?
मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू। अरे नहीं, अब तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा मसाओ। लगता है तुम बुरी तरह फंस गए हो मसाओ। मुझे नहीं लगता मसाओ ये काम कर। अरे इतने दिन कहाँ थे? अरे तुम अभी तो मेरे साथ ही थे, तुमसे काम है। तभी तुम आज पोस्टमैन बन के आए हो। तो तुमने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी? हाँ, तुमने बिल्कुल। नैनी के पास जाएंगे। देर क्यों हुई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं, शिनचैन घर पर नहीं था। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अगली बार जरूर लिखना। ये लो ये चिट्ठी बो कजामा और मैंने लिखी है। क्या तुम इनको लेटर बॉक्स में डाल सकते हो? ठीक है। हो गया। मेरे लिए चिट्ठियाँ आई हैं। बाय, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अगले दिन। ये चिट्ठी बो ने लिखी है। मुझे लगा था बो मेरे लिए बहुत अच्छी चिट्ठी लिखेगा, मगर मुझे माफ करना बो, मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आया। ये ड्राइंग अच्छी है। ये ड्राइंग है, चिट्ठी नहीं। तुम में से किसी को चिट्ठी लिखना नहीं आता। तुम सब ने इसमें बस फालतू बातें लिखी हैं। क्या कहा? तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि आगे चलकर अगर तुम लोगों को चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी तो तुम लोगों की चिट्ठियाँ कोई भी नहीं समझ पाएगा। कजामा, तुम्हें किसी ऐसे को चिट्ठी लिखनी है जो तुमसे बहुत दूर रहता है। मेरी बात समझ गए ना? और मसाओ, तुम्हें चिट्ठी लिखनी है उस दोस्त को जो तुम्हारे साथ नर्सरी में पढ़ा हो। अरे नैनी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं और नहीं खेलना चाहता। हाँ, मुझे भी नहीं खेलना। मैं भी चलता हूँ, मुझे शीरो को वॉक पे ले जाना है। तुम में से जो भी अच्छी चिट्ठी लिखेगा मैं उसे टेस्टी कुकीज दूंगी। हाँ, तुम सबका शुक्रिया, मैं तुम सबकी चिट्ठियाँ पढ़ूंगी। ये कुकीज तो बहुत ही टेस्टी है। इसमें तो मक्खन भी है। इसमें नट्स है और ये बहुत टेस्टी है। सुनो नैनी, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं बहुत खुश हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। लेकिन क्या शुरू करते हैं नैनी? मेरा मनपसंद खेल। दोस्तों, इस बार ऑफिस के खेल में बॉस मैं बनूंगी। सही कहा। सुनो, क्या कल तुमने एक्शन मास्क देखा? हाँ, कल का एक्शन कामिन बहुत ही अच्छा था। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अचानक से आईचेन और नैनी को क्या हो गया? तुम्हें हेलो बोल रहे हैं। और ये देखो मेरा मगरमच्छ, हेलो हेलो। ये एक नदी का पत्थर है। जानते हो कल क्या हुआ था? क्या ये ड्रेस चाहिए? इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। चलो घर वापस चलते हैं। लगता है तुम कुछ परेशान हो। बिल्कुल मुर्गी जैसी लग रही हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं बेटा, हमें नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं कोई भी ड्रेस दोबारा नहीं पहनती, तुम चाहे तो ले सकती हो। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए जो इसके पास भी हो। मुझे वो सब याद करके गुस्सा आ रहा है। चलो खाते हैं टेस्टी खाना। आज भी खाने में वही सब्जी है। ओ अच्छा। अरे आई का लंच बॉक्स और नैनी का लंच बॉक्स तो एक जैसा है। तुम दोनों की पसंद तो बहुत मिलती है। मुझे इसकी बात नहीं सुननी। अरे शिनचैन का लंच बॉक्स की बात करनी जरूरी थी। अरे मेरी इतनी तारीफ मत करो। ये तारीफ नहीं है। हमेशा मेरी नकल क्यों करती हो? मैं जरूर करूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम दोनों के घर फोन करके कह दूंगी कि तुम दोनों थोड़ा लेट आओ। मुझे रबर मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कलर मिलेगा? हाँ ये लो। अरे तुम यहाँ? मुझे अपनी ड्रेस बहुत पसंद है और साथ में डांस भी पसंद है। अरे तुम शिंकू हो क्या? मुझे लगता है मैंने जरूर तुम्हें कहीं देखा है। तुम
तुमने सही कहा, लेकिन तुम थोड़ी अजीब हो। हाँ। क्या तुम्हें डबल रोल नहीं पता? अगर ये डबल होता क्या है? डबल मतलब कोई ऐसा जो मेरी जगह ले ले जब मैं ना रहूं। तुम इसे धीरे से खोलो नैनी, मुझे पता है। तुम दोनों को प्यास लगी है, पपीज बात कर सकते हैं? मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहते। ये क्या है? अभी पता चल जाएगा। इस पेपर को इसके ऊपर ऐसे रखो और देखो ये हो गया। वाह, मुझे भी करने दो ना। अरे नैनी इसे थोड़ा ऊपर उठाओ। ये लो। ये बहुत ऊंचा हो गया, आई को भी इसे थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए। आखिर ये हम पर इस तरह हुक्म क्यों चला रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चलो उसके आने से पहले हम ये काम कर लेते हैं। अरे वाह, तुमने काम पूरा कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। बहुत सुंदर सजाया है तुम दोनों ने। प्लीज जल्दी कीजिए, आपके वायलिन क्लास में जाने का टाइम हो गया है। हाँ मैं जानती हूँ, इस समय मैं चाहती थी शिंको मेरा डबल रोल करे, पर लगता है ऐसा हो नहीं पाएगा। तरफ से नैनी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। आई की तरफ से। हुआ उन दोनों को मैसेजेस मिल गए? सच बताऊं तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। के बारे में बहुत कुछ जानती हो। हाँ सही कहा। अरे चीटी यहाँ कैसे?